बहन जी के बहुत गंदा आदत है, बिना बतावले कहीं भी चल जावे नी। कमाल हो गए ला हाँ, ये होना सोचनी कि हम भी घर में रहेनी। हाँ हमार भी कोनो जिम्मेदारी है, बहन जी के फोन करता नहीं हम। इला फोन भी यहाँ छोड़ गई नी, हाथ कर देनी ता। अरे बच्चा भी ऐसा ना करेले जे ई ए उम्र में करहल बानी, का करी पूरब के फोन लगावता नी। हाँ अरे ना पता ना वो इस समय कहाँ होखी और वो प्लानिंग स्लानिंग में उलझल होखी ना। ओके ना परेशान कर, अब हम का करी, हम कहाँ जाई हम। हाँ बच्चन के फोन ना करी ना, हे भगवान इता दुखी कई के रख देनी। भाइयों को बात समझ में ना आवता, हमने लोग के एकरा के मारे के रहे, फिर एक यहाँ लेके कहाँ आई ली, और फिर अचानक प्लान कहाँ चेंज कर देनी। हमारा प्लान रहे ना, हम चेंज कर देंगे। प्रॉब्लम बता रहा के कुछ भाई, वो हम सोचत रहनी कि वो सोचत रहला, सोचत रहे दिमाग बात और बात सोचे खातिर सोचत रहे, जी काम करे खातिर बोले रहनी वह करे के बात, समझ लेना इधर उधर के बात मत कर, सोचत रहे। और अगर हम कौनो चेंज कर रहल बानी तो सोच समझ के ही कर रहल बानी ना। ठीक बा, ए भाई लोग बंदला के बाद अच्छा से नजर रखिए इनकर पे, यहाँ से ही तक का इनकर आवाज तक यहाँ से ना जाए के चाहिए। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, एकर खाए पिए के अच्छा ख्याल रखिए, कहे कि हम चाहते नहीं कि कुछ और दिन तक जिंदा रहे। ठीक बा भाई, पता ना हमके ऐसन काहे लग रहल बा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ बा, जैसन दिख रहल बा वैसन बा ना। खैर जे भी बा एक दो दिन में पता चलिए जाई। तनु के अगर केहू और के फोन नहीं आवत तो एकर मतलब यह ब्लैकमेलर ही, लेकिन अगर आ गए फिर तब मामला और भी उलझ जाए, यही खातिर अभी एकरा जिंदा रखल ही ठीक बा। चल तंडे, ठीक बा। थैंक गॉड बच गए, और अब तक आई थिंक अभी भी सुत गए होके। अच्छा बा ओके, कल सवेरे ही फेस करब, तब तक सोच लेब कि बोले के का बा हमके। अभी जाग रहल बा, सुतल बड़े हमू जल्दी से जाके सुत जा रहल बनी। अभी हम प्लीज पहले हमारी बात सुन लिया, अभी हम प्लीज बिना कुछ सुन ली डाटिया मत, हम तो के कुछ समझावे चाहत रहे। समझावा हमरा के बेटा, बतावा का समझावे चाहत बाड़ू, कोनो बहाना बनावा ना तू, हम बैठल बनी तारा सामने बेवकूफ बने खातिर। यही बोल रहा के हम तो पहले से ही बेवकूफ बानी, तो हर काम तो और आसान हो जाए, बतावा हम की। अभी ऐसन बात ना हो, ऐसन बात ना बा तो फिर कैसन बात बा, हम पागल के तरह तो हर वहाँ इंतजार करत रहनी, फिर यहाँ इंतजार करत रहनी, तू तू चोर के तरह अंदर आई लू, ओकरा बाद चुपके से सोए जात रहलो, एकर का मतलब समझी हम, या फिर तू हमके का मतलब समझी वो। तो के जगह के डिस्टर्ब ना करे चाहत रहनी, हमके डिस्टर्ब ना करे चाहत रहनी, हम यहाँ बैठ के तुहार इंतजार करत रहनी और तू बोला तारू कि तू हमके डिस्टर्ब ना करे चाहत बड़ू, बहुत स्मार्ट समझे लूगा अपने आपके। अभी हम एक्चुअली हम जानबूझ के तोके ना उठानी, और हम जानबूझ के इसे चुपचाप सोते जात रहने, कहे कि हम जानत रहने कि तू हमरा पे गुस्सा करब, और अभी जब तू गुस्सा करेला ना तो तोरा से ज्यादा हमके तकलीफ होवेला। झूठ बोला था तू, तारा कोनो बात के तकलीफ ना होखेला, तना कोनो बात के बुरा ना लागेला, एक हम ही बानी जेकरा पता बा तोहरा कितना हम मुश्किल से ही फैसला ले ले रहनी, हम सोचत रहनी कि हम सही करे जात बानी, लेकिन तू हमके ही गलत साबित कर दे।
वैसे तो तू बोलत रहे की शादी कब करवा शादी कब करवा। जब हम सारा तैयारी करके तुहार शादी करे के इंतजार करत रही तब तू तू साइन तक कल दूर के बाद तू हमके आपस चकल दिखावे तक ना आई। अरे डिनर डेट पे बुलाओ रहनी का हम तोरा के तरा पता बा हमरा पे का बीतत बा। कितना मुश्किल से हम ही फैसला ले ले रहनी और कितना आसानी से तू हमारी फैसला के मजाक बना दे लू। वहाँ कोर्ट के बाहर खड़ा उ लॉयर ओकरा साथ खड़ा लोग पता बा हमरा ऊपर हंसत रहले उ लोग जेकरा साथ उ रॉकस्टार कोर्ट में शादी करे खातिर इंतजार कर रहा बा। उ लड़की साइन करे तक अपन शक्ल दिखावे तक ना पहुंचल। आज के बाद हमके अपन शक्ल तक मत दिखाइया कहे कि तू शादी करे के लायक ना बाड़ू। अरे तू ही लायक बाड़ू ही ना कि हम तोहरा से शादी करी। अनजाने में तोहरा साथे जोन गलती कर देनी ना उही के सजा मिलत बा हमरा के। और अब सजा तोहरा के भी मिली और तोहार सजा ई बा कि अब जब हमार मन करी ना तब हम तोहरा से शादी करब और हम तोहरा मुँह के शादी के शाह तक ना सुने चाहत बनी। समझ लू तू तो का लगता अगर हम वहाँ पे आ भी जाती तो हमें की शादी हो जाती। अभी हम तोरा से रियल लाइफ में शादी करे चाहता नहीं करो एड फिल्म या शूटिंग में शादी ना करे चाहता नहीं हम तो से। और तू कहत बाड़ा ना कि तू हमरा से शादी ना करे चाहता रा? हम खुद तो से ही कहे चाहत रहनी कि हम तोरा से ही शादी ना करे चाहता नहीं। अभी शादी करल हमार जरूरत बा लेकिन हमार जरूरत की कोनो मजबूरी मत समझा कि कुछ कैसे हम तोरा से शादी कर ले। हमरो भी कोनो सेल्फ रिस्पेक्ट हाँ अभी हम तो से शादी करके तोहार बीवी बने चाहत बानी तोहार रखेल ना। शट अप तनु कितना गंदा सोच बतार तू ऐसा सोच लो भी कैसे। हाँ हमके सोचे पड़ल अभी कह कि तू कोनो डिसीजन बिना सोचले समझ ले ले वेला। अभी तब बुरा लग रहल बा शादी के बाद का करता जब पूरा दुनिया हमके इनाम से बुलावत। यह कह लेना जब कोनो इंसान के एक बीवी होते दूसरे शादी करेला तो दूसरे बीवी के यह नाम से बुलावे लेना। पहला बीवी? हाँ अभी पहले बीवी प्रज्ञा अभी भी तहार बीवी है। तू जे पेपर्स डिवोर्स पेपर समझ के साइन कर ले रहला वो डिवोर्स पेपर ना प्रॉपर्टी पेपर्स रहे। ऑफिशियली तू दोनों अभी हो हस्बैंड एंड वाइफ हो। जॉनी दिन हमें घर छोड़ के जात रहनी आपसे कुछ पेपर्स पे सिग्नेचर ले ले रहनी हम। आप खुद अपन सब कुछ हमरे नाम कर देले पड़ा। ई का हो गेल बा हमरा के हम ई बात भूल कैसे गेल रहनी। और जब तक तहार प्रज्ञा के साथ डिवोर्स ना हो जा हम तोरा से शादी कैसे कर सकत बानी। अभी तू ही बतावा अभी तहार बीवी होती हम तोसे शादी कैसे कर सकी ने। हाँ हम मानी ले कि हम ही तोसे हमेशा बोली ले कि शादी कर ला शादी कर ला पर वही खातिर का कि हम अपने के बच्चा के तहार नाम देवे के चाहते हैं पर तब तक पॉसिबल ना हो जब तक तहार डिवोर्स ना हो जाए। अभी हम पूरा तरीके से फंस चुकल वानी हमके कुछ समझ में ना आवेला। बिना डिवोर्स के शादी करके भी का मतलब है हमार नाम बदनाम हुई हमार बच्चा के फ्यूचर खराब हुई। तू ही बताओ हम का करें। अगर तो से शादी ना करनी तो लोग कहिए कि बिना शादी के बच्चा कहाँ से आए और अगर हम तोरा से शादी कर लेनी तो लोग कहिए कि ये कोई शादीशुदा से बच्चा आ गई। का करी एक औरत बानी ना माँ बानी सब कुछ सोचल तो हमरे जिम्मेदारी है और तू बस हमके डांटत रहेला हमके हमेशा गलत कहेला और हम चुपचाप सुनी ले ताकि हम तरह से प्यार जी करी नहीं। पर तू हमार फीलिंग के कब वो ना समझेला अभी पर हमार फीलिंग से बच्चा ला तो समझ सकेला ना कि हम जे भी कर रहल बानी बच्चा ला कर रहल बानी। आज तो की पता बा हम कहे ना ही नहीं कहे कि हम लॉयर से मिले गए रहनी उनसे ही पूछे गए रहनी कि डिवोर्स कैसे हुए कितना टाइम लगे सब तो की पता बा का कहला वो कहला कि जब तक आप दोनों ना चाहले डिवोर्स होवे में बहुत टाइम लगे लेकिन अगर आप दोनों म्यूचुअली एग्रीमेंट करब तो बहुत इजीली हो जाए। पर ये बहुत मुश्किल है अभी काहे कि हम जाने ले कि तू ओके डिवोर्स देवे चाहत बड़ लेकिन वो तो ओके डिवोर्स ना देवे चाहत बने इलाना काहे कि वो तोरे साथ इमोशनली अटैच है।
पर इला कहे कि वो न चाहले कि हम तार लाइफ में आए। बस ये सब कुछ सोच सोच के हमारे दिमाग चकरात रहे हैं। अभी हम कुछ समझ में ना आवत रहे। हम ड्राइव करत रहनी, पता ना कितना बार एक्सीडेंट हो बचला। फिर हम सोचने कि हम गाड़ी साइड में पार्क करके थोड़ा देर आराम करता नहीं। फिर कब नींद आ गई कुछ याद ना। लेकिन ये सब कुछ हम तोके काहे बता रहल बानी। तू तो हमार बात पे यकीन ना करबा। तू तो ये कहबा ना कि हम ये सब बहाना बना रहल बानी, तोके झूठा कहानी सुना रहल बानी, है ना? पर ये सच है अभी। तू हमार फीलिंग के कब्बो ना समझेला। अभी तोहर बच्चा हमार जिम्मेदारी है और हम सिर्फ अपन जिम्मेदारी निभा रहल बानी। अभी हम अपन लाइफ के साथ रिस्क ले सकीने, लेकिन अपन बच्चा के लाइफ के साथ न ले सकीने। तू ही हमके कहले रहला कि बच्चा तोरा ला कितना इम्पोर्टेंट है। बस हमके जे कहे के रहे हम कह देनी। अब तोके जे समझे के बाद तू समझ ला। तोके हमके डांटे के बाद हमके डांट, हमके मारे के बाद हमके मार भी ला, हमके घर से निकाले के बाद हमके घर से भी निकाल दे। फिर एक बात याद रखिये, हम बाहर ठोकर खाए लेकिन अपन बच्चा के फ्यूचर खराब ना होके दे। हम अपन दम पर ओके अच्छा लाइफ दे। तू अगर ओके ना भी देवे चाहत बड़े तो ठीक बा, हम ओके पालब। हम पालब ओके। तनु, ए तनु, तू जौन चाहे लू, जौन डिजर्व करेलू ना, वो तोहरा जरूर मिली। आई एम सॉरी, तोहार बिना कोनो बात सुने हम तोहरा इतना सब कुछ बोल देनी। हम जब गुस्सा हो जाए नहीं तो हम I'm really sorry बोले से का फायदा। अभी जब तक हमने के शादी ना होती, हमके लगता ही झगड़ा हमने के कबो खत्म ना हो, और ई प्रॉब्लम के हमने के परमानेंटली सॉल्यूशन निकाले के पड़ी, और सॉल्यूशन बस शादी। और हमने के शादी तब तक ना हो सकेला तब तक तहार डिवोर्स प्रज्ञा से ना हो जाला, और वो बहुत मुश्किल है। अभी हम सोच सोच के पागल हो गए ने, कुछ समझ में ना आ रहा, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद ना। अभी कोई उम्मीद ना। तू इतना काहे सोचता रहू, हम बानी ना, हम जाके प्रज्ञा से बात करब, उसे डिवोर्स ले, ठीक बा? तनु, हम जाने ली कि बच्चा हमार जिम्मेदारी बा, हम तोहरा और बच्चा के अपन नाम जरूर देब। चला अब रोवल बंद करा, तू रिलैक्स करा, हम प्रज्ञा से बात करके आवता नहीं, बट डोंट क्राई, ऑल राइट? अभी सोए दित बनी, जब उठी तब बात करब, और तनी प्यार से मैटर क्लियर करब। अगर कहीं ईगो पे ले ली तो आसानी से डिवोर्स ना दी। कल रात इनकर वेट करत करत आंख लग गई। कब आइले? पता नहीं कैसे इम्तहान है हमार। हर बार इतना कोशिश करी पर कुछ हाथ ना लगेला। सच सामने आवे में जितना देर हो रहल बा, मुसीबत उतने बढ़ल जा रहल बा। पता ना कहाँ गलती हो जाले हर बार। शायद आपके पावे की उम्मीद इतना कर लेले कि मकसद से शायद ध्यान हट जाला। पर ए बार हम पहले सच साबित करब, फिर कुछ और सोचब। अब बताओ का भाई, पहले बताओ लू का है ना? दादी, कल रात हम आपके कमरा में आए रहनी, लेकिन आप सुतत रहनी तो हम जरा आंख लग गई होगी, जगा देवे के रहे ना, फिकर के मारे हमार जान निकल गई। दादी, का भाई, सब गड़बड़ हो गई। हे भगवान, कुछ हासिल ना भाई? पर काहे,
सब कुछ ठीक जात रहे दादी, लेकिन एन मौका पे वहाँ कुछ और लोग आ गए ले, हमने के कुछ समझ ही ना आयल, और हमके लागता वहाँ पे तनु के बॉयफ्रेंड भी रहे, बुरका में रहे, और वो केहू के पकड़ के लेके आई ले ब्लैक मिलर समझ के, और इतना सब रहले कि हम तीन उस सब कर अकेले सामना ना कर पाती है, हमने के मजबूरन वहाँ से चुपचाप निकले पड़ल, हमने कुछ पता ना लगा पेनी। हे भगवान, ये का हो रहल बा, मुसीबत तब बढ़ल जा रहल बा, उधर अभी भी दिन ब दिन कमजोर पड़ रहल बा, और इधर तरह की कामयाबी ना मिलल, अब हो की का? हे भगवान, कौनो रास्ता देखावा। फोन। माँ जी हम नमस्ते, जानकी बोल रहल बानी। जी बोला। प्रज्ञा की ना बहुत देर से फोन लगा रहल बानी, लगी ना रहल, अब के बता भी कहाँ हो की? हाँ हाँ, हमरे पास ही बा, लब लब बात कर ल, ल जानकी के फोन। हेलो प्रज्ञा। हाँ हम फोन करे ही वाला रहनी, माँ कहाँ भैया? पता ना बेटा कहाँ बानी, रासी घर भी ना आयल बानी। घर भी ना बानी मतलब? पता ना बेटा कहाँ चल गल बानी, कुछ बता के भी ना गई नी, पहले तो हम सोचने की यही कहीं गल हो की आ जाई, पर पता ना हमार कब आँख लग गल, सब उठ के देख रही था घर पे ना बानी। आप आस पड़ोस में पूछनी, मार्केट मार्केट गए हो की शायद? बेटा हम सब जगह देख ले ले बानी, कहीं ना गई नी, और दोरू फोन भी हिजे रखे गल बानी। बेटा बहुत चिंता हो रहल बा। ना ना चिंता मत करा, हम अभी घर आवत बानी। महाराज से घर ना आई नी, फोन भी घर पे छोड़ के गल बानी, दादी हमने के वहाँ जाए के चाहिए, हम अभी चेंज करके आवता नी। हे भगवान, ये का हो रहल बा, सुख रखिया। कैसन लड़की भी आई, कुंभकरण के तरह सूत रहल भी, अभी एके अब तक कुछ कहलक ना का, शायद ना तब तक ये तरह से सूत रहल भी, कहीं चालाक लोमड़ी अपन शातर दिमाग तो ना लगाई लग, जरूर अभी के ही काबू में कैले भी, एके एके तो मजा चखावत बनी। तनु तनु उठा, अरे कैसे कुंभकरण के तरह सूत रहल बाड़ू, उठा ना। कहा भूकंप आयल है का? भूकंप ना आयल, हम आयल बानी। कहा कहा उठावल हम का, ई कोनो तरीका है के उठावे के तो जनिन में सुतत रहनी हम? तक गनीमत है कि हम तहरा के उठावनी, जगा रहल बानी तहरा के, एहसान माना हमार, अगर अभी आ जात ना तो तहरा के उठा के घर से बाहर फेंक दे। चला अपन सामान पैक करा और निकला यहाँ से। आपके सच में ऐसा लगेला कि अभी हमरे साथ ऐसा करी? और लगेला तो हम आपके बता दी कि हमके ये सब कुछ करे की कोनो जरूरत ना। आपके पता बा आपके प्रॉब्लम का, कि आप सबके ना अपन जैसन समझी ले, आपके अपन पति पे कंट्रोल ना आए कर मतलब ही ना कि केहू के बिना होई। ये मामला में हम आपसे कई गुना ज्यादा आगे बानी, हम अभी के मना ले ले बानी, अब हमरा से ना प्रज्ञा से नाराज बा। सांचू तक हम झूठ बोल रहल बानी? ना हम कैसन लागल कि तू इतना गहरी नींद में सूतत रहलू, तो शायद सपना देख ले होगा, उस सपना के तू हकीकत मान ले लू, है ना? सपना देखल आपकी आदत है हमार ना, और वैसे भी कल के दिन हमार लाइफ के सबसे बेस्ट डे रहे, दो-दो प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व। दो-दो प्रॉब्लम? कौन से दो-दो प्रॉब्लम? आपके पता बा आप अभी के शादी ला उकसाता देनी, लेकिन हम कल वहाँ पे आ भी जाती ना तो भी हमारा अभी से शादी ना हो जाती। काहे ना कर पाई तू? काहे की प्रज्ञा अभी के अभी तक डिवोर्स ना दे ले बाड़ी। हाँ ठीक बा ठीक बा, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम कौन से है? एक बंदा हमके कितना दिन से परेशान करत रहे, फाइनली ओके हमेशा ला रास्ता से हटा देनी। का तू हमके काहे ना बदबलू, और के बाऊ का कहलू तू ओकरे साथ? तनु हम तारा के कहले रहनी कि अकेले कुछ भी मत करिया, जे भी करिया हमसे पूछ के करिया, हमके बता के करिया, ना तालिया के तरह जेल में जाके सड़बू, लेकिन तू कागुल खिलबलू तू बताइबू हमके? हमार काम में टांग अड़ावल बंद करी और अपन काम से काम रखी, जाके राज भैया की मनाई कहीं कहीं आपके छोड़ के भाग न जासू। बकवास बंद करा तनु, हम और हमार पति एक दूसरे से बहुत प्यार करी ले, बस थोड़ा सा नाराज बनी, जल्दी हम उनके मना ले, तू अपन चिंता करा हमार ना। हाँ तो जाके मनाई ना, और आइंदा अगर हम कहीं से नींद से उठेनी ना तो जिंदगी भर सुकून से सूते ना दे, जा यहाँ से। माँ जी कहीं जाए वाला रहनी का दिन में या शाम के आपके तो जरूर पता होगी? हाँ हाँ कहीं जाए वाला तो रहनी हो शाम में, पर आप लोग तनु के पीछे पीछे गए ना, एला वो टेंशन के मारे कहीं ना गई नी। फिर भी
हमके लगता कि हमने के कोशिश करी चाहिए आसपास ढूंढल जाओ माँ की या फिर पूछताछ ही कर लेता नी उसके अलावा क्योंकि बतावले हो कि कहाँ जा रहल बानी ऐसे ही कर रहल बिया हमने बाहर चल के लोगन से पूछल जाओ यही कहीं होखी है घबराए के कोनो जरूरत ना बा मिल जाइए वो चल पूरा तू दादी के लिए इस तरफ ढूंढा अम्मा आप उधर ढूंढा दादी चलो कैसे हो सकेला कि हुमा के देख लकी ना अब के उसे कुछ बोल के कहीं ना गई नी अब कैसे पूछी कहाँ ढूंढी आपके मामा जी के फोन करे तानी हाँ मामा जी नमस्ते हाँ प्रज्ञा बोल रहल बानी उ मामा जी कल माँ से बात भइल रहे का आपके कौनो ना 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 करो प्रॉब्लम ना मामा जी ओ एक्चुअली हम घर आए रहनी तो माँ घर पर ना भी और शायद अपन फोन घर पे ही छोड़ के चल गल बानी यही ला हम सोचनी आपसे पूछ लें कुछ ना यही जे यहीं कहीं गल होगी शायद हम वेट कर लेता नहीं घर पे सब ठीक बा ना अच्छा अच्छा हम बाद में फोन करब आपके जी नमस्ते मामा जी के भी कुछ ना पता हेलो मैम कैसन बानी मैम आप सॉरी आप लोग मैम हम नवीन और शांति प्रिया मैम आप हमने की टीचर रहनी हाँ हाँ याद आये आई एम सो सॉरी हमार ध्यान कहीं और रहे तो लेकिन तू लोग यहाँ मैम एक्चुअली हमने शादी कर रहल बानी तो ओकरा खातिर आपके और आंटी जी के इनवाइट के रहल रहनी एक्चुअली कल रात को हमसे मिलल भी रहली तू दोनों की मिलल रहनी माँ कब कल रात के काफी लेट हो गए रहे 10 बजल हो की शायद कहाँ मैं ही बाहर मिलल रही हूँ एक्चुअली उनके कोनो स्टूडियो जाए के रहे तो हमने उनके मालवानी चर्च के पास ड्रॉप कर देनी का भइल मैम कुछ प्रॉब्लम बाका ना ना कोनो प्रॉब्लम ना है माँ तो अभी घर पे ना बानी लेकिन हम उनकी जरूर बता दे कांग्रेचुलेशंस थैंक यू बाय ये तो अभी तक सूत रहल बा और प्रज्ञा भी कहीं दिखाई ना दे रहल बिया अगर ये अभी तक सूत रहल बा तो ये अभी तक प्रज्ञा से बातो ना कर ले होखे काश की सुबह सुबह बात कर ले ले हो अभी 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 उठा कहाँ गेलु हमके का पता तहार कमरा बाना तू के साथ सुतेला तो के पता होगे कि चाइना की कहां गई वैसे तू उसे बात कर ला ना हो जब हम वापस आई नहीं तो सुतल रहे तो हम सोचने का डिस्टर्ब कर सवेरे होकर क्लास लेब तो क्लास ले ला ना ना सुतल रहे नहीं हम नींद आ गई रहे हमके अब इतना सवेरे थोड़ा ना उठब जब हमार क्लास लेवल हो खेला तब तो के नींद ना आवेला अभी बहाना बनावल बंद कर अरे ऐसा बात नहीं के अब देखा होकर कैसे क्लास लेब हमार मतलब सुना हेलो हाँ कहाँ बाड़ू तू हम कुछ काम से बाहर जा रहल बानी हाँ जल्दी घर आ जा हमके तोरा से जरूरी बात करे के बा हम ना आ सकब हम बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहल बानी हम करी ना जल्दी घर आ जा हमके जरूरी बात करे के बा देखा हमरे काम से ज्यादा जरूरी है ए वक्त और कुछ ना हो सकत तोहर मतलब बा कि हमार काम फिजूल बा देखा आपकी जी समझे के बाद समझा हम ए वक्त झगड़ा ना कर सकेनी अच्छा ठीक बा बाबा तू बतावा तू कहाँ बाड़ू हम मुझे आ जाये अब का करी आके हमार दिमाग खराब मत करा हम केहू के ना सुना बाज कहाँ बाड़ू तू ठीक बा हम वो मालवानी चर्च के पास जा रहल बानी ठीक बार हमारा इंतजार करा हम वहीं आ जाई अब देखिए कैसन होके क्लास लेब हम सिर्फ क्लास लेब ना पहले क्लास लेब फिर डिवोर्स लेब डिवोर्स लेवल ना देवे के बा पेपर साइन करके ओकर मुंह पे मारी हा
हां वो सब करब तू टेंशन काहे लेता रहो। वैसे तू अभी ओके फोन पे काहे ना कहला की तोके डिवोर्स चाहिए। अरे तू तू समझत काहे नहीं खू। बहुत सियाना भी हूँ। अगर हम ओकरा बता दे तू कोनो बहाना बनाई और ई बार हम ओके बहाना बनाए के मौका ना देवे चाहत बानी। हम उसे मिल के आवता नहीं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, इनविटेशन कार्ड बा? ना वो तो ना बा। सॉरी मैम, आप अंदर ना जा सके नहीं। हमके बस 2 मिनट के काम हो। एक्चुअली हमार माँ यहाँ पे कैटरिंग करल बानी, बस हमके उनसे मिले के बा। मैम बिना पास के अंदर जाके परमिशन नहीं खे। आज पूरा होटल फिल्म लाइन वाले बुक के लिए बाड़न। अब होटल के अंदर कैसे जाई? हेलो, हाँ आप यही जा आ जाई, हम यही वेट करल बानी। हाँ मैनेजर साहब, हम प्रज्ञा बोल रहे बानी, सरला अरोड़ा की बेटी। आप कुछ देर खातिर एंट्रेंस पे आ सके लिए प्लीज। थैंक यू सो मच। तू तू चला हमरा साथे, हमके तोरा जरूरी बात करे। हमके यहाँ बहुत जरूरी काम है, हमके मिले के बाकी हूँ से। हमार काम ज्यादा जरूरी बात, तू चला हमरा साथे। ना समझ रहा, कल रात से माँ के कुछ पता ना, फोन भी घर पे छोड़ के गल बानी। हमरा लम माँ की ढूंढ बहुत जरूरी है। सरला आंटी। हाँ लेकिन तोरा उनके फिक्र काहे होता? ये सब हमने बाद में भी डिस्कस कर सके नी, पहले माँ की ढूंढ ली। वो आदमी कहाँ बा जेकरा से तू मिले आए रहलू? फोन कैले रहनी आ रहल बानी। नमस्ते मैनेजर साहब, माँ आज ए इवेंट की कैटरिंग के ऑर्डर ले ले रहनी का। ई इवेंट के तो ना ले ले रहनी, लेकिन एकर पहले के इवेंट के ले ले रहनी। ओके थैंक यू। देखा तू टेंशन मत ला, हम पुलिस को इन्फॉर्म करता नहीं, वो लोग उनके ढूंढ लेंगे। चला घर चला। होश मिला वर एकरा। ए उठ रे, ए उठ। लगा था ऐसे ना उठी। ए पानी लेके आओ रे। अरे हिलाओ ना जोर से। ए उठ रे, उठ। अरे उठ रे। ए चली उठ गई, पट्टी निकाल। हम कहाँ बानी? अभी नरक नहीं खूब पहुंचल, ऐजे धरती पे बाड़ू। पर इतना जान लिया कि तोहार और नरक के बीच में एगो दीवार बा, और अगर तू हमार सवाल के जवाब ना देलू तो वो दीवार गिर जाए। तो बोला जाए के बा नरक, और नरक ना जाए के बा तो तू सिर्फ हमके वो सच बता दा। हाँ कहे कि कुछ तो बात जे तू हमसे छिपा रहल बा, का बा सच? सच सुने के बा? सच ई बा कि जल्दी तोहार खेल खत्म होके वाला है, और ई सच तू जितना जल्दी समझ जा बाद में झटका तोहरा के उतने कम लगे। मान लेनी हम हा? और जब न्यूज़पेपर में आई ना तो और ज्यादा मान ले। खुश अब हमरा बतावा कि और के ई सच जाने ला? प्रज्ञा जाने लेना, प्रज्ञा के पता बा। अगर प्रज्ञा के मालूम होत ना तो तू दोनों बचता ना, तू दोनों के सच सबके सामने होते। हमसे ही गलती हो गई, तनु के साथ डील करे से तो अच्छा रहे कि हम प्रज्ञा के साथ डील करती, पैसा भी मिल जाता और तू दोनों के सच भी सबके सामने आ जाता। उम्र के लिहाज कर रहल बानी, यही से चुपचाप हमके सच बता दा, वरना हमके गुस्सा आइल ना तो एक ही झटका में क्या कर ले बा तू? मर बा, मार ला, हम मरे से ना डरे नी। ए बांदर एकरा, बांदर एकरा, न खाना न पिए खातिर पानी, ऐसा ही रखा एकरा। ऐसा ही कुछ दिन तक रही ना तब खुदे सच उगल दे, उगलबू ना। ख्याल रख रे कर। वो लोग माँ के मालवानी चर्च के पास कहीं ड्रॉप कर ले। दी तक कुछ पता चला लो? हाँ हम गए तो रानी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोनो इवेंट चलत रहे। हम अंदर भी गले, हमके लागल की माँ के केहू कैटरिंग के ही कोनो काम दे ले हो के वहाँ पे। वहाँ पे यो भी आये, हमने इतना ढूंढनी वहाँ पर माँ नहीं के मिलल। हाँ हमरे समझ में ना आ रहल ये हो का रहल बा। कहा तो हमने सोचत रहनी कि हमने बस जीते ही वाला बानी, और कहा ये सब बैठे बिठाए नया मुसीबत आ गई। अब सरला जी की पता ना चल रहा बा, सरला जी के कितना बार समझौले रहनी, पता ना इतना लापरवाही कैसे कर गई नी। अपन फोन तो उनकी अपना पास रखे के चाहत रहे ना, खुद के तो के ध्यान ही ना रहेला।
फोन के का करी हैं? आप लोग कितना समझवले रहले उनके, पर कुछ फायदा भइल? प्रज्ञा की चिंता में घुलल जात रहनी, ना कुछ खात रहनी, ना कुछ पियत रहनी। दी, एक सेकंड, आप कौन जगह बतानी जाओ माँ के छोड़ ले रहलन? मालवानी चर्च के पास कौनो स्टूडियो कुछ तो वहाँ पे। स्टूडियो रूप कला स्टूडियो? दी तो वह रूप कला स्टूडियो बना जहाँ हम तनु के एक्सपोज करे के प्लान बनावत रहनी। मतलब माँ ब्लैकमेलिंग वाला जगह आल रानी? दी आई एम श्योर यहाँ बैठ के परेशान होकर तो किए और आपके बारे में सोचत हुई है तभी वहाँ गिल हुई है। एक बेटे के ऑलरेडी खो चुकल बाड़ी हो, उन्हें एक ही चाहत की जो बुलबुल के साथ भैल रहे वो आपके साथ भी होके तब वो। लेकिन पूरा अगर माँ वहाँ आयल रानी तो हमने के कहा है ना दिखनी, हमने के तो वहाँ तनु के पूरा कहीं जेके वो लोग ब्लैकमेलर समझ के पकड़ के ले गई ले वो मात तो ना रानी ना। आप लोग परेशान बनी ना, हमके भी कुछ समझ में नहीं आवत। अरे सल्ला आंटी के केहू दुश्मन नहीं के तो ये काम करके सकेला। और अगर केहू किडनैप कैले होत तो अभी तक तो फोन आ ही गई होत ना। आई होप कि सल्ला आंटी कोनो मुसीबत में ना होगी। आप तो घर जाए वाला रहला फिर यहाँ कैसे? हम पुलिस स्टेशन गए रहनी। सल्ला आंटी के मिसिंग कंप्लेन करावे, वो लोग तो अपन काम भी शुरू कर देले हुई हैं। इस घर के हो का रहल बा, इस घर में सुबह शाम हंसी के ठहाका लागत रहे और अब देखा कोई बात करे वाला ही ना बा। पहले बुलबुल चल गई, अब बहन जी पता ना कहाँ चल गई नी। क्यों कि बुरा नजर लग गई हमार हसत खेलत परिवार के ना। हम ही नजर वजर पे विश्वास ना करी, हम बानी ना हम आंटी जी के कुछ ना होके देब। आप लोग सवेरे से भागत दौड़त बानी, आप लोग थक गए हुई हैं। हमारा ख्याल से आप लोग के आराम करे के चाहिए। पुलिस अपन काम शुरू कर दे ले बा, शायद शायद कल सवेरे तक आंटी जी के पता चल जाए। दादी दादी अब थक गई हुई हैं, चली ना घर चल जाए। हाँ दादी आप लोग घर जाइयो, हम बाद में आए कुछ और जगह ढूंढे के बाकी है जामा माँ हो सके नी। का सोच रहल बाड़ा तू? कुछ ना दादी। दादी बानी तहार, तहार सकल देख के बता सके नी कि ये बखत तू का सोच रहल बाड़ा। दादी यू हम बस ऐसे ही सरला जी के बारे में सोच रहल बाड़ा ना। हाँ दादी वो भी, और हमके प्रज्ञा के भी कुछ समझ में नहीं आवत। प्रज्ञा? ओकर हरकत समझ में नहीं आवत। वो बोले ली कुछ और, करे ली कुछ और, वो बिया कुछ और दिखावे की कोशिश कर दिया, या फिर सच में ही ऐसा नहीं बाड़ी। प्रज्ञा सरला जी खातिर परेशान बिया, तू ये सब सोच के बोल रहल बाड़ा ना। हाँ बेटा, हम तोहरा के कहले रहनी कि वक्त के साथ ही इंसान बदल जाला, पर रिश्ता ना। और फिर प्रज्ञा के सरला जी के साथ तक खून के रिश्ता है। माँ बानी वो कर पहले बहिन गईल, फिर अब माँ के पता ना चल रहल, अंदर ही अंदर रोवत तो होखी ना। अब तू आलिया और राज के ही लेला, कितना बुरा कहले उ लोग तहरे साथ। हमके पता बिया आलिया की जेल गईले के बाद तहरा की कितना तकलीफ भइल रहे, अब भी तकलीफ बा। राज की तो तुरंत माफ भी कर देला। दादी अगर ऐसन बात बा तो फिर आलिया के भी तो तकलीफ होत हुई ना कि वो हमरा साथे ऐसन कहली। ना बेटा ना, सब लोग ऐसन ना सोचेले, ऐसन उ सोचेला जेकर दिल साफ हो खेला, जैसे कि तू हमार बच्चा। दादी एकर मतलब प्रज्ञा भी दिल के सच्चा भी है ना, कहे कि ओकरा भी अपन माँ खातिर बुरा लागत बा, तकलीफ होत बा,
वो भी अपन माँ खातिर वह फील करती है जो हम आलिया खातिर फील करता नहीं ना। वो दिल के सच्चा ना हो सकेली। अगर वो दिल के सच्चा हो तो हमके धोखा ना देती। लेकिन वो कबो हमार बुरा भी तो ना कह ली ना। समझ में नहीं खे आवत के का सचबा और का झूठ। बेटा जब कुछ समझ में ना आवे तब भगवान पे छोड़ देवे के चाहिए। वो वक्त रहते सब कुछ ठीक कर देवे ले। उनके घर में देर है बेटा, अंधेर ना बेटा। और सच सच तो एक दिन सामने आ ही जाला बेटा। दीप जो आप सोचत नहीं अगर वाकई में सच बात तो माँ के जान के तो बहुत बड़ा खतरा बा। जहाँ तक अपनी तनु के जाने ला माँ के किडनैप करे के इतना बड़ा रिस्क वो ना ले सकेले। हमके भी ऐसा नहीं लागत था पूरा कि तनु अच्छा तरीका से जाने ले कि ई माँ के आपन माँ जैसन माने ले। माँ के कौन नुकसान पहुँचावे से पहले वो लोग 10 बार सोची हैं। लेकिन का सच बा का ना ई हमने श्योर तो ना हो सके नी ना। फिर सच के कैसे पता चली? ओकराला हमने की तनु के हरकत पे नजर रखी होगी। पहले तो जाके देखे होगी की वो कल के बाद ज्यादा टेंस्ड है या फिर ज्यादा रिलैक्स्ड है। फिर हम ओके फोन करब और एक बार सिर्फ धमकी देले से कुछ ना होगी। हमनी के कुछ करे की होगी ताकि ओके पता चले कि अगर वो इमें इन्वॉल्व है तो वो बहुत बड़ी गलती कर ले पिया। जब तक माँ के पता ना चली हमने इतना बड़ा स्टेप ना ले सके नहीं और इनफेक्ट कुछ भी ना कर सके नहीं। कहे की सच में अगर माँ उनके पास बड़ी था तो उनकी जान के बहुत बड़ा खतरा हो सके। लदी हमने जे भी कदम उठाए बहुत सोच समझ के उठाए। हम अभी घर जाता नहीं और तनु पे नजर रखा फिर सही सही वक्त देख के ओके कॉल कर। दी हम भी आपके साथ चलता नहीं ना। ए वक्त तोहरा के आवे के जरूरत ना पूरा। वैसे भी हम ओके कॉल कल सुबह ही करब। तू कल सुबह आ जाइ। रचना बेटा जरा पढ़ के सुनेबू। बहुत बारीक अक्षर है। जी लाई। ई है फिसलत कमाई बढ़ रहल खर्चा। देश के सबसे बड़ा और मालामाल मुंबई महानगर पालिका के 2016 के 17 के बजट में करीब 10% बढ़ोतरी भइल बा। ओहो बेटा तू तो कितना आसानी से पढ़ के सुना देलू। लगता हमारा के पावर बढ़ रहे भी। अरे ना 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 मौसी जी आप मानी या ना मानी हमके तो लगता कि असली बात तो ही बाकी आप जोन बानी ना बुढ़ा हो रहा बानी। अरे छोड़ा बूढ़ी हो की तहार माँ। अरे उते बाड़ी होयन का हमार माँ का मना करे ले काहे माँ है ना। दीदी ना आपन जवानी के ख्याल में खोल बानी वरना हमके सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में खड़ा कर देहल गई और इनकर कौनो स्पेशल कमेंट ना आयल ऐसन तो हो ना सकत। रचना हम आकाश के देख ले रहनी आ गई कहू। वो रात के आयल रहले और तब तक आप लोग सूत गए रहले। अभी तो सूत रहल बानी राजना आयले उनके साथ। तू कहले रहलू ना कि वो दोनों साथ में गई बाड़े। हाँ वो उनके कुछ इम्पोर्टेंट काम रहे तो वही जे रुक गई ले। ऐसे सिर्फ आकाश वापस आ गई। काट दे ले अब रचना अपन फोन देबू। हेलो राज आप हमार फोन काहे ना उठावले? फालतू बात मत करा हमके काम बा बहुत यहाँ पे। फालतू बात ना कर रहल बानी और काम ना बाप के आप बस हम
हमसे बात ना करे चाहत बानी, जानबूझ के आप घर ना आइला, है ना? तोहरा के पता बता बार बार कॉल करके डिस्टर्ब काहे कर रहल बाड़ू? फोन रखा, दोबारा कॉल मत करी हमरा। हेलो राज,